हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एयरफोन के बारे में रिव्यू देने वाला हूँ मैं आपको, कि आपको ये सब जो आप देख रहे हो तीनों एयरफोन, ये JBL के हैं, और इन तीनों में से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको कौन सा, अगर आपको एयरफोन खरीदना है तो कौन सा खरीदना चाहिए। ये देखिए, मैंने अभी जस्ट 2 दिन पहले ही ये खरीदा एयरफोन JBL का, जो कि T110 है। तो इसके बाद मैं आपको, ये दो कलर में मैंने बाई किया, एक ब्लू कलर और व्हाइट कलर। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप उसमें बाई कर सकते हो। और ये मेरा एक ओल्ड एयरफोन है, ये मेरा, ये भी JBL का है, आप देख सकते हो। तो ये मैंने अभी, इसको 2 ईयर होने वाला है अप्रोक्सीमेट यूज़ करते हुए मेरे को इसको। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। और ये एयरफोन का मॉडल है जो है SI150, इसका मॉडल नंबर है। तो आप इंटरनेट पे, मैं इसको आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ आपको प्योर बेस के लिए, अगर आप ये एयरफोन यूज करना चाहते हो T10, तो आपको बेस इसमें बहुत अच्छा मिल जाएगा। आपको आपको बेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको बेस सॉन्ग सुनना पसंद है तो आप देख सकते हो, ये JBL का लोगो इसके पीछे बना हुआ है। और इस पे JBL लिखा हुआ है पीछे। और मैंने इसको ब्लू कलर में बाई किया, आप देख सकते हो। अगर आपको जो कलर अच्छा लगे आप उसमें बाई कर सकते हो। इसके अंदर आप माइक्रो, जो ये माइक भी मिल जाएगा, जिससे आप बात करते हो माइक भी मिल जाएगा। और इससे सॉन्ग चेंज भी होते हैं, तो आप इसकी हेल्प से सॉन्ग भी चेंज कर सकते हो। आपको माइक मिल जाएगा इसमें भी, दोनों सेम है, सिर्फ कलर डिफरेंस है इनमें। और ये मेरा जो SI150 है, ये बहुत पुराना है, इसको 2 साल होने वाले हैं अप्रोक्सीमेट। इसके साथ तो माइक मिल जाएगा आपको, इसमें भी आपको लोगो मिल जाएगा JBL का। तो मैं आपको रिकमेंड करना हूँ, अगर आपको वॉइस अच्छी लगती हो तो SI150 की तरफ जाएं। इसमें SI100 भी आता है, आप वो भी बाय कर सकते हो। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट अगर आपको सिर्फ बेस पसंद है, प्योर बेस, तो बेस के लिए आपको ये T110 आपको खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा दिस वन। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।